उपस्थित सभी श्रद्धालु, सभी भारत माता के बेटे बेटियां, सबको बहुत बहुत बधाई। और हम सबको नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा सपना दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का आज पूरा हो रहा है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि आज ये ट्रेन अमृतसर वाघा बॉर्डर जलियांवाला बाग लेके हमारे दिल्ली के लोगों को लेके जा रही है। ये भी दिलचस्प है कि हमारे लिए तीर्थ सिर्फ हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं है, बल्कि हमारे लिए हमारा जलियांवाला बाग भी तीर्थ है। हमारा वाघा बॉर्डर जहां भारत माता के बेटे जाके भारत माता की आन बान शान के लिए अपनी जान की कुर्बान, जान हथेली पे रख के भारत माता की रक्षा करते हैं दुश्मन से, वो वाघा बॉर्डर भी हमारे लिए तीर्थ है। तो ये ट्रेन सिर्फ मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में नहीं लेके जाएगी, बल्कि इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों के जहां आसार हैं, जहां सबूत बैठे हुए हैं, जहां सूक्ष्म रूप में आज भी वो उपस्थित हैं, वहां लेके जाएगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं सभी यात्रियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ साथ चाहूंगा कि जब अमृतसर में दरबार साहब में जयकारा लगे तो उस जयकारे की गूंज दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि दिल्ली के लोग आए हैं। जब वाघा बॉर्डर पे कल शाम जब वाघा बॉर्डर पे जाएं और जब हमारे नौजवान वहां पे हमारे सैनिक बहुत मुस्तैदी से पाकिस्तान के सैनिकों के सामने खड़े दिखे आपको, तो वहां भारत माता की जय का इतना जोर से जयकारा लगना चाहिए कि लाहौर से लेकर दिल्ली तक उसकी आवाज गूंज जाए। एक बार बताइए, भारत माता की, ऐसे नहीं पहुंचेगी। और परसों आप जलियांवाला बाग में भी जाएंगे दरबार साहब के साथ साथ, तो जलियांवाला बाग में भी उस मिट्टी को एक बार नीचे से उठा के माथे पे लगा लेना, आपको लगेगा कि किसी चीज के यात्राएं सफल होती है इससे अंदर भाव जागते हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण स्वीकार करके इसमें यात्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। और दिल्ली के लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी दिल्ली के लोगों के लिए इतनी एक महत्वपूर्ण योजना, दिल से लगी हुई, दिल से सोची गई योजना बनाई। धन्यवाद।